नॉमेनक्लेचर अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा एंड वॉट वी हैड एज आईयूपीएसी रूल्स, टिल नाउ. लेकिन आईयूपीएसी रूल्स वी हैड, लाइक इफ यू रिमेंबर और यू कैन रिकॉल हियर, वी सेड फर्स्ट थिंग इज व्हाट, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. हम लोगों ने क्या क्या बोला था कि लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट कर लीजिए, लॉन्गेस्ट चेन फॉर वर्ड रूट, राइट, वर्ड रूट के लिए. सेकेंड वॉट, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम विच साइड, किधर से आप नंबरिंग कीजिएगा. नंबरिंग इस तरह से करना ही होगी जिससे कि लोएस्ट लोकेंट मिल जाए आपको. नंबरिंग हम लोगों ने पढ़ा. नाउ बिसाइड नंबरिंग वी हैड, नंबरिंग के केस में कुछ रूल्स था जो कि हम लोग डिस्कस किए थे, डबल बॉन्ड को, फंक्शनल ग्रुप को कैसे इंपॉर्टेंस देना है. और कहां पर वन मोर थिंग वॉज देयर, टू वॉवल्स कैनॉट स्टे टूगेदर, cannot stay between primary suffix and secondary suffix. दो वॉवल नहीं रह सकता किसके बीच में, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स के बीच में. नंबर फोर, एल्क बिकम्स एल्का, किस समय हम लोगों ने बोला था एल्क बिकम्स एल्का, एल्क ऑफ वर्ड रूट becomes alka, किस समय किया था, when primary suffix contains dice, tri, tetra, terms, etc. very good. Primary suffix contains dice, tri, tetra, terms. Contains dice, tri, tetra, terms. Yes, ma'am. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ेंगे, राइट. अब बेटा, अब यहाँ पर जैसे एक बार फिर से आपको याद दिला दे, एक प्रैक्टिस के लिए ये एक आपको दे रहे हैं हम. अब बताओगे कि कहाँ से स्टार्ट करें नंबरिंग, इफ दिस इज गोइंग टू बी, if this is going to be one, बेटा ये यदि one हुआ, तो अब किधर से move करें हम? I should make this as two, or I should make this as two. Double bond should get second number. Right side. Yes. Right side. ये जिसको भी अच्छे से दिख रहा है, clarity है, that's really good here. नहीं तो कुछ लोगों को लगता है ना, बता रहे हैं आपको. 1, 2, 3, 4, 5, 6. कुछ लोगों को इस तरह की बात लगती है. Why can't we take this as one or two? तो लगता है कि double bond जो है उसको number one पे डाल दिया. बेटा जब कभी भी आप double bond की तरफ ध्यान दे रहे हो, you want to give priority to function group. We understood. ठीक है? आप priority देना चाह रहे हो function group को. आप इसके अलावा, if you want to give priority to this group, तो ये बात को ध्यान रखना कि double bond को यदि आप priority दे रहे हो कि we are making it as a first. आप फर्स्ट पे उसको दिखाना चाह रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड आपका फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में हो. इट शुड बी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड. डबल बॉन्ड शुड बी इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है ना? Yes. इसका नाम क्या है? वन डैश डाइमिथाइल वन डैश डाइमिथाइल इथाइल डाइमिथाइल इथाइल. दिस इज आल्सो वन डैश डाइमिथाइल. तुमने नोटिस किया इसका नाम है वन डैश डाइमिथाइल इथाइल. इसका भी नाम वही है. Yes. वन डैश डाइमिथाइल इथाइल. इन दोनों के नंबर्स जो है, वन डैश डाइमिथाइल इथाइल, वन डैश डाइमिथाइल इथाइल. ठीक है,
They are present on fourth and seventh. Fourth पे present है और seventh पे present है. जब एक जैसे ही group रहेंगे ना, तो इनका नाम एक साथ लिया जाएगा. Yes. ठीक है. और एक जैसे group में, तो एक बात को ध्यान देना कि branch is already containing. There is a rule you can say here. If branch is already containing. Di, tri, tetra terms. Remember, if branch is already containing di, tri, tetra terms, then यदि branch में पहले से di, tri, tetra terms हैं, तो ये बात को ध्यान रखना कि then their numbers will be expressed as bis for two, tris for three, tetrakis for four. Are you getting this point? तो इसमें तुमने देखा कि इसमें पहले से ही die है. अब इसका नामकरण कैसे होगा? How are you going to speak its name? How are you going to take its name? Miss. हाँ जी. Miss, can you please explain 1-1 dimethylic? ये वाला कैसे आया? ये कैसे आया? Yes, ma'am. ये देखिए, जो word root में connected, इनका नाम कैसे, complex का नाम कैसे डाला जाता है? तो आपको पहले ये बताने की कोशिश होगी कि आपका main word root में जो carbon atoms हैं, direct branch कितने कार्बन एटम का है? दो का. डायरेक्ट ब्रांच वी आर हैविंग ऑफ टू कार्बन एटम्स, दैट इज इथाइल. बट इथाइल इज आल्सो हैविंग ब्रांचेस. अब इथाइल की नंबरिंग होगी जो कि इस नंबरिंग से अलग होगा जस्ट बाय पुटिंग 1-2. सो विच कार्बन एटम इन ब्रांच, विच कार्बन एटम इज फर्स्ट कार्बन एटम विच इज कनेक्टेड टू मेन वर्ड रूट. विच कार्बन एटम इज फर्स्ट कार्बन एटम विच इज कनेक्टेड टू मेन वर्ड रूट. So this is your 1-, this is 2-. लेकिन आपको बतानी होगी कि इस इथाइल पर ना आपको दो मिथाइल ग्रुप हैं जो कि 1- पे ही प्रेजेंट है. इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? 1-1- डाइमिथाइल. इसका नाम डाले इथाइल. इसका भी नाम है 1-1- डाइमिथाइल इथाइल. अब हम इसको नाम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? Excuse me, miss. हाँ जी. Miss, in the second example you gave, Miss, why did we have double 1- and double 2-? That I'm not able to understand. Any number. Beta, एक बात आप अपने दिमाग में पहले clarity रखो. What clarity? You have to give respect to each and every group, each and every carbon atom. और वो कहाँ है? आपको एकदम संधिविच्छेद करके बताना होगा. Are you getting this point? Dissect करके आपको बतानी होगी कहाँ है. आप 10th में बेटा एक चीज पढ़े होगे. 10th में बहुत सारे nomenclature नहीं हुए थे. Suppose you have been given this name. ऐसे. Do you remember you had said that these two methyl groups, they are present on 2nd and 3rd. So आपने 2-3-dimethyl. Suppose you have been given this name. Right? आपको वर्ड रूट 4 वाला है. आपने इसको बोला था कि नंबरिंग किए होंगे 1-2-3-4. तो आपने क्या बोला था इसका नाम? 2-2-dimethyl. आपको मेन इसके पीछे इंटेंशन क्या है? Yes, ma'am. कि आपको बेटा कार्बन को एकदम तकलीफ नहीं पहुंचानी है. इफ दे आर इन द ब्रांच, उनको पूरी इज्जत दीजिए, उनके जगह का बताइए कि वेयर आर दोस कार्बन एटम्स. क्योंकि आप नहीं बताओगे ना, यहाँ देखो ना, कार्बन सेकंड एंड थर्ड पे, एंड सेकंड पर आप सीधे लिखोगे कि 2-dimethyl. ठीक है, इसका मतलब हो गया कि आप 2-dimethyl के बारे में बात कर रहे हो. बताओ तो वो डायमिथाइल कहाँ है? तो इफ यू आर रिपीटिंग दिस नो, this indicates that they are present on second. Yes, miss, got it. Thank you, miss. Okay. So, yehi cheez hua tha. Matlab sabhi ko ek ek dheere dheere aap samjhoge ki nomenclature is something here. You have to make other person to understand clearly.
कि अच्छा ये वाले इसर है, ये वाले फंक्शन ग्रुप, क्योंकि उससे प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है. यू कैन नॉट इमेजिन ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज दैट इज गोइंग टू डिफर इफ यू आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली कि आपके मिथाइल या फंक्शन ग्रुप कहाँ है, क्योंकि जबरदस्त उसमें डिफरेंस आ जाता है. तो अब यहाँ पर आइए ऐसा कुछ. नंबर्स विल बी एक्सप्रेस्ड एज व्हाट वी आर टॉकिंग. ये वाले को कैसे हम लोग बोलेंगे बेटा, इसको बोला जाएगा 4 and 7, 4, 7. ठीक है, बिस. जैसे डाई बोलते थे ना, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? बिस. ब्रैकेट 1-1 dimethyl decade. समझ आ रही बात? Yes, miss. Comma 7. Yes, ma'am. 1-1 Yes, ma'am. ये आपको समझ में आ गई कि same type of groups are going to be there. You have to go with what? This word. If branches, complex branches already containing di, tri, tetra, then their numbers will be represented as bis, tris, tetra, kis. ऐसे करते हुए represent करना होगा. ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा याद करें एक बात को. Suppose this name has been given. एक बात बताओगे यहाँ पर, विच इज गोइंग टू बी वर्ड रूट हियर? कोई बताओ वर्ड रूट क्या होगा यहाँ पर? व्हाट शुड बी वर्ड रूट हियर? एम ऑफ 7 कार्बन. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 फ्रॉम दैट पोजीशन. किधर से काउंट करें? 1, 2, 3, 4. वी आर लुकिंग फॉर more number of carbon atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ma'am, from the 6, 7. Ma'am, from the top carbon, if we start and we go till that second the chain at the second last carbon, till that last C, so we get 7 carbon. 7. आप यहाँ से जा रहे हो तो 7 आ रहा है. Maximum number of substituents. Right. अब ये एक option हो गया. ये एक option हो गया आपके पास. You are having one more option to get the maximum number of carbon atoms. Even if we start from the first carbon. यहाँ से भी आपका 7 आ रहा है बेटा. देखो तो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5, 6, 7. Yes, ma'am. लेकिन ये बताओ कि किसमें आपको ज्यादा ब्रांच मिल रहे हैं? कार्बन चेन with more branches. Will be taken as word root. As word root. Chain with more branches will be taken as word root. One, two, three, four, five, six, seven. Right? Ab ye batao ki if I am taking this as a chain. No, miss, the other one will take the chain. कितने branches आगे बेटा? 1, 2, 3, and this is 4, and this one is 5, right? If I take this as a branch, तब कितने आएंगे? यदि इसको लिया थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 branches. 4, 5. The second one. पिछला वाला कितना था? 5. 5, 4, 5, and this is 6, 7 नहीं बोलोगे. ये आपने लिया यदि ऐसे ये वाला. So this is a branch. It's 1. This whole is a branch. हाँ, 2. That three, whole becomes a branch. That propyl. 4, 5, 5, and this and is a complete branch. Whole 6. ठीक है? Yes, ma'am. ये counting भी आपको करनी है यदि. काउंटिंग भी आपको करनी है तो काउंटिंग कहां से कीजिएगा? कहीं से भी कर सकते हैं हम लोग. काउंटिंग 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. इसका नाम क्या डालिएगा? 3 पर 1 डैश 2 डैश सो 1 डैश मिथाइल. इसका नाम 3 पर 1 डैश मिथाइल इथाइल मिथाइल इथाइल. और इसमें नाम क्या डालेंगे हम लोग? ये फर्स्ट पे सेकंड पर वी आर हैविंग टू सेकंड टू इसके बाद टू टू सिक्स सिक्स टेट्रामिथाइल. देखो सारे का नाम ले लिया हमने. फाइव पर भी मिथाइल है. टू टू फाइव फाइव कॉमा सिक्स. हाँ फाइव कॉमा सिक्स नॉट टेट्रा इट शुड बी पेंटामिथाइल. पेंटामिथाइल हाँ हेप्टेन. देखो सभी कार्बन का नाम ले लिया या नहीं? वी टुक दिस नेम वी टुक दिस नेम सभी का नाम ले लिया. वन डैश मिथाइल इथाइल टू टू फाइव सिक्स पेंटा मिथाइल हेप्टेन चलेगा? Yes, ma'am. Was a bit confused. Dash methyl ethyl. We need to write three over there. Kidhar mein? Yes, ma'am. Yes. The three. Four one dash. Three one dash methyl ethyl. Just a minute. Okay. थ्री वन डैश मिथाइल इथाइल. ठीक है ये बंद हो गया. अब इस पर आएंगे हम लोग आगे. बेटा कॉम्प्लेक्स का हम लोगों ने कर दिया कैसे नेमिंग करना है और बेस्ट स्ट्रेस हो गया ज्यादा ब्रांचेस वाले को उठाना है. मतलब बेसिक नॉमेनक्लेचर वी टुक बेसिक नॉमेनक्लेचर वी ट्राई टू टेक वी कवर्ड हियर. नाउ वी आर गोइंग टू सी हियर नेमिंग ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. लेकिन उसके पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज और समझ लें हम लोग कि सपोज साइक्लिक कंपाउंड इज देयर. साइक्लिक कंपाउंड व्हाट रूल यू आर गोइंग टू मेक हियर विच पार्ट विल गो एज वर्ड रूट. साइक्लिक कंपाउंड में सिलेक्शन ऑफ वर्ड रूट हाउ एग्जैक्टली वी डू इट. सिलेक्शन ऑफ वर्ड रूट फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग carbon atoms. C, C, C and C. Four carbon atoms are present. And this is your branch. Which is going to be as a word root. Because this is your aliphatic open and this is your cyclic. The cyclic one. One which is, yeah, combination hoga. One which is having more number of carbon atoms. Area having more number of carbon atoms will go for word root. Having more number of carbon atoms will go for word root. Right? Area having more number of carbon atoms will go for word root. So which is having more number of carbon atoms? Recyclic butane, cyclobutane. This is having more number of carbon atoms. So we are going to say here cyclobutane and this will be? Yes, ma'am. Prefix. Prefix. What name is for darling? One methyl cyclobutane. ये आपका जनरल एक सोच के रखना है कि यू हैव टू गिव मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वर्ड रूट. दैट्स अ पार्ट हियर. नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट व्हाट आर वी टॉकिंग हियर. सपोज कीजिए कि ऐसा नाम दिया गया है. हाउ आर यू गोइंग टू रीड विच एरिया इज गोइंग टू बी फॉर वर्ड रूट.
the open chain. Open chain, why? Open chain. Because it has more number of carbon atoms. Three, 1, 2, 3, 4, and counting 1, 2, 3, 4. This will be treated as a prefix. Prefix. बेटा alkane को हर समय prefix में हम लोगों ने alkyl बोलना है, right? Alkane that will be read as alkyl. So cycloalkane we'll read as cycloalkyl. Cycloalkyl. Yes. On first we are having propyl, so we are going to read it like this. One. Cyclopropyl butane. Are you getting this point? Yes, miss. One per cyclopropyl hoga, and that is going to be butane. Jab barabar ho the last. Yes, beta. बोली बोली कैन यू शो द लास्ट स्लाइड ओके लास्ट स्लाइड यस मैम डन राइट नाउ जस्ट लुक एट हियर इफ दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यदि बेटे दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गया तब क्या कीजिएगा तब साइक्लिक साइक्लिक इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स साइक्लिक विल रिमेन एज वर्ड रूट उसको ज्यादा अहमियत मिल जाती है एज वर्ड रूट ठीक है ये बेटा यदि इफ दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट एंड दिस साइड आल्सो वी आर हैविंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिफेटिक एंड साइक्लिक में कंपटीशन होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये सिक्स कार्बन एटम इन चेन एंड ये साइक्लिक जहा किस कौन जाएगा वर्ड रूट में तो किसको अहमियत दी जाती है साइक्लिक विल रिमेन साइक्लिक को इम्पोर्टेंस दी जाती है या इट गेट्स मोर इम्पोर्टेंस देयर डन अब यहाँ पर एक बात अब बेटा इस पर आइए फिर से व्हाट आई हैड गिवन यू जस्ट नाउ हाँ ये वाली चीज दिस साइड वी आर हैविंग 7 कार्बन एटम्स दिस साइड वी आर हैविंग 6 कार्बन एटम्स अब थोड़े दिमाग लगाओ व्हिच एरिया शुड गेट अभी तक आप दो क्लास में जो आप सीखे हो मैम द साइक्लिक वन बिकॉज़ इट हैज डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड यस दिस इज योर साइक्लिक विद डबल बॉन्ड एंड दिस इज योर ओपन चेन इसमें कोई डबल आपको पता है ना हम लोगों ने किया है कि यदि चेन में डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड्स हो तो उसको वर्ड रूट में उठाएंगे याद आ रहे हैं yes, चेन भले ही कार्बन इसके yes, पास बट इट्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड सो दिस विल बी टेकन एज वर्ड रूट सही है एंड दिस विल गो एज अ प्रीफिक्स राइट दिस इज योर फर्स्ट एंड ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विल बी प्रीफिक्स ब्रांच हो गया हम कैसे नंबरिंग करें नाम कैसे दें वन हेप्टाइल हेप्टाइल साइक्लो एफएक्स एक्स एक्स वन ई वन ई वन हेप्टाइल साइक्लो हेक्स वन ई ठीक है समझ आ रही है बात ये यस मिस यस अब आइए few important common names
बेटा कुछ कॉमन नेम है जो कि आपके इसमें एंट्री मारे हुए हैं आईयूपीएसी में भी, जैसे नहीं होता किसी किसी का निक नेम जो है इतना पॉपुलर हो जाता है वही नाम चलता है. आपको मालूम है राजू श्रीवास्तव का नाम सुने हो? Yes, miss. As a comedian. इस नेम में राजू श्रीवास्तव और उसका सत्यप्रकाश श्रीवास्तव नाम है रियल में, ऑफिशियल नेम. बट इस कॉमन नेम दैट हैज बिकम सो पॉपुलर कि अब उसी के नाम से पूरे पूरे नेशनल इंटरनेशनल वैसे ही फेमस हो गया है वो. तो कई बार कुछ कॉमन नेम्स हैं दैट हैज बिकम सो पॉपुलर एंड इट रिमेन्स इन चैप्टर एट नंबर ऑफ प्लेसेस, वही इंपॉर्टेंट रहता है. वो हम थोड़ा सा सीखना चाहेंगे. आप लोगों को मालूम है कुछ टेंथ में भी पढ़े होंगे एला नॉर्मल जिसको एन लिखते हैं, सुना है? आइसो. यस मैम. आइसो एंड न्यू कंपाउंड. दिस इज यूज्ड ओनली फॉर कॉमन नेम. जब आपसे कॉमन बोला जाता है व्हाट्स व्हेन डू यू से कंपाउंड इज नॉर्मल? When all the carbon atoms are in a chain, इसको हम लोग पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is read as normal hexane. लेकिन यही पर इसी का status, जैसे ही एक branch आ जाता है second number पर alkyl का iso. If there will be, this is your 2-methyl pentane. But if you are going to show branch of carbon atom on second, beta, is pure compound ka naam ho gaya ab. Dekhna, branch of alkyl on second is named as isohexane. समझ रहे हो? Yes, miss. Yes, miss. Next we are taking ये. इसको क्या पढ़ोगे? Branch of alkyl group on second. Branch of two alkyl groups. Alkyl groups on second carbon atom. Alkyl groups on second carbon atom. It's named as what? Neo. ठीक है. और ध्यान दिए ना कि जब ये दिस इज कॉमन नेम, आप पूरे को लेके जैसे इसको नॉर्मल बोले, अब बोलोगे जैसे आपको ये फीलिंग आती है, जैसे हमने बोला ऐसा दिस इज नियो हेप्टेन, आपको क्या फीलिंग आती है? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? कितने कार्बन एटम्स है बेटा? सेवन कार्बन एटम्स. ये ध्यान रखिएगा, सेवन कार्बन. लेकिन न्यू मींस व्हाट्स द मीनिंग ऑफ न्यू? टू ब्रांच टू अल्काइल ग्रुप्स. सो फाइव विल बी इन द चेन, राइट? टू मिथाइल एज अ ब्रांच, एज ब्रांच, राइट? वेयर? यस मैम. ऑन सेकंड कार्बन एटम. ऑन सेकंड कार्बन. तो आपका दो चला गया ब्रांच में, तो आपके चेन में कितने रहेंगे? पांच ही रहेंगे ना? फाइव. फाइव कार्बन. यस मिस. 1, 2, 3, 4, 5. फाइव. यहाँ पर 6, 7. दिखा दो. क्लियर है? हमने बोला आइसोनोनी कैसे लिखेगा? 8 कार्बन एटम्स इन अ चेन. 1, 2, 8, 5, 6, 7, 8 carbon atoms and 1 methyl on second carbon. सही है? Yes, ma'am. Done. अब आते हैं हम लोग
organic compound carbon atom is marked as beta carbon, each carbon atom is marked as 1 degree, which is called primary, 2 degree, secondary, 3 degree, tertiary. Each carbon atom is marked as 1 degree, 2 degree, 3 degree, tertiary, and 4 degree quaternary. Quaternary. ध्यान दे रहा हम क्या लिखें? Each carbon atom is marked as either 1 degree or 2 degree or 3 degree or 4 degree on the basis of number of bonds. Bond or bonds satisfied by other carbon atom. The basis of number of bonds satisfied by other carbon atoms. जैसे यहां देखिएगा, हमने एक structure बनाया. सर इसमें डिसेक्शन करेंगे. एक बात बताओ, ये कार्बन पे हमने एक कार्बन दिखाया, इसका मतलब हर कार्बन को चार बॉन्ड बनाने की आदत है? बेटा कुछ नहीं दिखाया, इसका मतलब कि इट इज मेकिंग बॉन्ड विद व्हिच एटम? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. आप हमको ये बताओ कि ये कार्बन का चार बॉन्ड है, चार में से कितना बॉन्ड दूसरे कार्बन से ये बना रहा है? दिस इज कॉल्ड 1 degree. इस कार्बन की तरफ ध्यान दो. आउट ऑफ फोर बॉन्ड, टू डिग्री, हाउ मेनी बॉन्ड इज मेकिंग विद अदर कार्बन? थ्री डिग्री. ध्यान से देखना, इसका तीन बॉन्ड जो है, चार में से तीन बॉन्ड बेटा कार्बन से जुड़ा हुआ है. सो इट इज नेम्ड एज 3 डिग्री टर्शियरी. इसके बारे में क्या बोलते हो? 4 डिग्री. इसके बारे में क्या बोलते हो? 1 डिग्री प्राइमरी. 1 डिग्री. इसके बारे में क्या बोलते हो? 1 degree. इतना हुआ बेटा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आपको पहचानना आया. इसका यूज करेंगे आगे, इसका इस्तेमाल करेंगे. आप इतनी दूर तक बढ़िया से लिख करके रूट्स नहीं लिखोगे और लगेगा कि आपको पूरा रटाया हुआ है, वैसा नहीं होता है. एटलीस्ट आउटलाइन यू राइट डाउन. इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में, आज कौन सा दिन है? ट्यूजडे. थर्सडे व्हेन वी मीट, विल बी हैविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि पूरे एक साथ नहीं आपको बता सकते हैं, पहले उसको रिटेन कीजिए फंक्शनल. दैट विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट क्लास. अब जाकर के इसको, इतनी सारी पॉइंट्स को लिख लीजिएगा. ठीक है. yes,